पीएम मोदी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और बिना एक भी छुट्टी लिए कई कई महीनों तक वो काम करते हैं। लॉकडाउन में पीएम इसी तरह काम कर रहे हैं। वो हर स्टेट से कोरोना का अपडेट लेते हैं और फिर उस अपडेट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये आसान नहीं, लेकिन पीएम खुद आगे बढ़कर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन में है, लोग घरों में कैद हैं और ऐसे में जिंदगी गुजर बसर करने का एकमात्र जरिया इंटरनेट और सोशल मीडिया है। इन दिनों में लोग अपनों से बातें कर रहे हैं, अपनों को याद कर रहे हैं, सब अपने पुराने दोस्तों को फोन करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी देश में कोरोना अपडेट के लिए अधिकारियों से फोन पर बात करने के साथ साथ अपने पुराने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। पीएम मोदी इन दिनों जनसंघ के अपने पुराने साथियों को फोन कर रहे हैं, वो उनका हालचाल पूछते हैं। ये वो लोग हैं जो पीएम मोदी के राजनीतिक सफर में अहम किरदार रहे हैं या जिनके साथ मोदी ने राजनीति में कदम रखा। मोहनलाल बौठियाल उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। उनके फोन पर अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि वो पीएमओ से बोल रहा है और प्रधानमंत्री खुद उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये फोन सुबह 8:26 पर आया। उस वक्त मोहनलाल बौठियाल पौड़ी जिले में अपने गांव एता के खेतों की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने मोहनलाल को भावुक कर दिया। वो आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। पीएम मोदी ने उनसे सवाल पूछा कि कैसा चल रहा है। ये बातचीत तकरीबन 3 मिनट तक चली। मोहनलाल बौठियाल की नरेंद्र मोदी से मुलाकात साल 1998 में हुई। इस कॉल के बाद वो दिन उन्हें याद आ गए। बद्रीनाथ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसी बैठक में उनकी नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई। फिर 2014 में उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी सभा के दौरान उनकी मुलाकात हुई। मोहनलाल बौठियाल 1960 में जनसंघ से जुड़े थे, 1970 में जनता पार्टी में आ गए और साल 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो बीजेपी के साथ जुड़ गए। 2000 में जब उत्तराखंड एक नया राज्य बना तो बौठियाल बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मोहनलाल बौठियाल की तरह कुशीनगर के पूर्व विधायक भुलई भाई से भी पीएम मोदी ने फोन पर बात की। भुलई भाई का असली नाम श्री नारायण है। उनकी उम्र 106 साल है। पीएम ने भुलई भाई से आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया था। पीएम की आवाज सुनकर एक पल को उन्हें यकीन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने भुलई भाई उर्फ श्री नारायण से कहा कि उनसे बात करने का मन कर गया, इसलिए उन्होंने फोन कर लिया। पीएम ने उन्हें कहा कि वो संकट के समय उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इस पर भुलई भाई ने जवाब दिया, भगवान आपको यशस्वी करे। पीएम और भुलई भाई के बीच तकरीबन 2 मिनट तक बातचीत चली। पीएम ने गुजरात के 99 साल के शख्स को भी फोन किया। नाम रत्ना भाई थुम्बर है। थुम्बर पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी उम्र 99 साल है। पीएम केयर्स फंड में हाल ही में उन्होंने 51,000 रुपए दिए थे। पीएम ने इसके लिए थुम्बर को धन्यवाद भी दिया। पीएम लॉकडाउन के बीच लोगों को फोन कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और बुजुर्ग नेताओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। भारतीय संस्कारों में हमेशा कहा गया कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो इंसान बड़े से बड़ा जंग भी आसानी से जीत जाता है। पीएम बस इसी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।